हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेटवे की हिंदी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ फाइवर एंड हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर। एंड ये फाइवर का ट्यूटोरियल है। तो फाइवर एक वेबसाइट है जो कि हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में भी। तो इस साइट से क्या होता है एंड कैसे काम करता है, चलिए मैं सब आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो पहला काम, आपको एक फाइवर में अकाउंट चाहिए। तो मेरा अभी है, आप डायरेक्ट फेसबुक लॉगिन भी कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो काम है, मैं अभी दिखाने से पहले आपको बोल देता हूँ यहाँ पर क्या करना होगा। तो फाइवर ऐसा साइट है जहाँ पर मतलब आप कोई भी वीडियो प्रमोशन, वीडियो टेच, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ खरीद सकते हैं या अपना टैलेंट या स्किल बेच सकते हैं या अर्निंग कर सकते हैं। तो लाइक देखिए, मैं तो मतलब फोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि फोटोशॉप एंड वीडियो आफ्टर इफेक्ट के कुछ वीडियो इफेक्ट्स बनाता हूँ एंड सेल करता हूँ, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप फोटो वीडियो नहीं बनाना जानते तो आप एक काम कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो बना सकते हैं। तो हर एक में कोई ना कोई स्किल है जो कि आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीमीडिया का कोई टैलेंट है, लाइक लोगो वगैरह बनाना, तो आप या ग्राफिक्स सेल कर सकते हैं। अगर आप एसईओ करना जानते हैं, वेब ट्रैफिक के बारे में जानते हैं, तो डोमेन रिसर्च, तो यहाँ पर से कोई भी आप ऑफ स्किल ऑफर कर सकते हैं। या फिर आपका राइटिंग ट्रांसलेशन आपको आता है कोई भी लैंग्वेज से किसी पे, तो उसका काम कर सकते हैं। तो ऐसे सारे, अगर आप डेवलपर हैं तो साइट के प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं जो अभी दिखाने वाला हूँ वो मेरे काम के बेस पे है, बट आपके जो भी काम होगा वैसे ही होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला काम, आपको सेलिंग में जाना पड़ेगा एंड उससे पहले आपका फुल प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, माई प्रोफाइल पे जाके एंड सेटिंग्स पे जाके। तो ये मैं नहीं दिखाने वाला क्योंकि ये बेसिक है, फेसबुक में जैसा होता है वैसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा अपने ओन डिटेल्स से। उसके बाद सारे कंप्लीट करने के बाद आप सेलिंग पे जाके माई गिग्स पे चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या क्या अभी ऑफर कर रहा हूँ मेरा सर्विस। तो मैं कुछ लोगो वगैरह बनाता हूँ तो यहाँ पर ऑफ़र कर रहा हूँ, ऑनलाइन साइट बनाता हूँ वो भी ऑफ़र करता हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया था मैंने ऑनलाइन साइट बनाना यूट्यूब पे भी, तो वैसा मैं दूसरों का बनाता हूँ उससे पैसा भी मिलता है। तो मैं नया हूँ, मैं भी फाइवर में, लेकिन थोड़ा सा अर्निंग मेरा भी हो गया। तो क्रिसमस में मैंने दो लोगो सेल किए थे, वीडियो लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 2 ऑर्डर हुआ था, तो उससे मेरा कुछ अर्निंग हुआ। तो कैसे काम करते हैं, तो पहला काम, आपका प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। उसके बाद माई गिग्स पे जाके ऐड ए न्यू गिग, इसमें क्लिक कीजिए। और तो मेरा डिफ़ॉल्ट एक है, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, होल्ड ऑन। तो उसके बाद, क्योंकि आप 7 से ज़्यादा मतलब आपका सर्विस ऑफर नहीं कर सकते इस साइट में, तो ये पहला रूल गया। एंड चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अब एक ऑफ़र करूँगा एसईओ का। तो एसईओ के बारे में, तो आई विल डू गुड, आपका जो मैं काम करेंगे उसका टाइटल है ये, ठीक है। आई विल डू गुड एसईओ फॉर योर वेबसाइट। तो ऐसा कोई भी काम है अगर आप कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल, लाइक कोई प्रोडक्ट का रिव्यू आप देना चाहते हैं, तो वैसा आप लिखिए। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, लेकिन मेरा तो साइट के ऊपर है तो मैं ये सिलेक्ट करने वाला हूँ, डिजिटल एसईओ। ओके, तो टाइप ऑफ साइट ऑप्टिमाइज की रिसर्च ऑन साइट ऑप्टिमाइज साइट की रिसर्च पे, एंड उसके जो टैग्स मतलब जिससे कि आपके बायर या क्लाइंट को आपके सर्च करने से आपका ए वाला ऑफर मिले। तो मैं लिखूँगा एसईओ
सर्विस, और आपको सजेशन मिल जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा एसईओ एक्सपर्ट, उसके बाद ले लेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे ब्राउज़र में, तो इस वजह से मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। होल्ड ऑन, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। चलिए इसको, हाँ तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद दोबारा करते हैं एसईओ सर्विस, एसईओ वर्डप्रेस, एसईओ एक्सपर्ट। तो इस आपका ओवरव्यू होने के बाद इसको पहले एक सेव कीजिए एंड कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया, तो एसईओ टर्म्स की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या गलत किया। तो इतना बार एसईओ यूज़ कर दिया टैग में। तो यहाँ पर ज़रा सा प्रॉब्लम हो जाता है सभी का जब फर्स्ट टाइम करते हैं। तो एसईओ सर्च इंजन साइट ऑप्टिमो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, अब ठीक है, देखिए अब ले लिया। यहाँ पर ये सब बेसिक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर ये एरर मिल जाता है तो सभी छोड़ देते हैं। उसके बाद प्राइस, तो इस सर्विस के लिए आप तीन टाइप का पैक कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हमेशा, तो मैं इसको हमेशा ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही में सब कुछ ऑफर करता हूँ जिससे कि मेरे मुझे ज़्यादा मिल सके। लाइक ऑल इन वन अगर होगा तो सभी चूज़ करेंगे। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब, डिलीवरी टाइम आप कितने दिन में डिलीवरी करेंगे? तो मुझे तो 3 दिन नहीं चाहिए। और रिवीजन, मतलब अगर गलती हुआ तो उसका रिवीजन आप कितने वक्त कितनी बार में देंगे? तो मैं एक बार ही रिवीजन देंगे। आप इसको अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतना चांसेस सबका, मतलब ऑर्डर आने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी मोर चाहते हैं कि उतना अच्छा हो जितना हो सके। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड इसके साथ आप जितना प्राइस लेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं तो भैया $10 से ही हैप्पी हूँ। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ पर और भी ऑप्शन थे, लाइक मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पर एक ऑप्शन था नीचे बैक, होल्ड ऑन, नेटवर्क में सारा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मुझे दोबारा आना पड़ा यहाँ पर। प्राइस में ये तो सारे मैंने यहाँ पर से कर दिया, लेकिन नीचे भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, लाइक एसईओ रिपोर्ट में देना चाहता हूँ, तो इसके वजह से मुझे और $5 एक्स्ट्रा चाहिए एंड 2 डेज मोर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वो दे दिया। एंड उसके बाद थोड़ा सा वीफली डिस्क्राइब, क्या आप ऑफर करेंगे, कैसे करेंगे? तो डिस्क्राइब का अभी तो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ज़रा सा पॉज करता हूँ डिस्क्राइब के लिए। तो मैंने टेस्ट लिख दिया, यहाँ पर मिनिमम 120 कैरेक्टर लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो ऐसे आप डिस्क्राइब कर देंगे आपका जो काम होगा। उसके बाद ये है असली प्लेस, आपको यहाँ पर ही सब काम करना है। तो रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखिए, अगर आप कोई लोगो का काम ले रहे हैं, मतलब कोई लोगो बनाने का, तो आपको डिटेल चाहिए उसके बारे में, क्या कंपनी है उसके बारे में, ऐसा। तो मतलब फॉर्म जिसको बोलते हैं, जहाँ पर लोग फिलअप कर पाए क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए। तो लाइक इसी के लिए मुझे चाहिए वेबसाइट नेम,
इसका आंसर देना ही पड़ेगा, तो मैंडेटरी आप यहाँ से कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं कि इसका आंसर आपके क्लाइंट को देना ही पड़ेगा या नहीं। एंड अगर आप टेक्स्ट चाहते हैं कि यूज़र मतलब क्लाइंट से आपको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट में कुछ, और या फिर आपको कोई लोगो या कुछ चाहिए कंपनी का, तब अटैच फाइल। तो मुझे टेक्स्ट चाहिए, वेबसाइट नेम एंड अनदर रिक्वायरमेंट, मुझे वेबसाइट डिटेल्स चाहिए टेक्स्ट में। तो ऐसे फॉर्म क्रिएट हो गया, देखिए एक के बाद एक मैं ऐड करते जाऊंगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे कोई फाइल चाहिए लाइक कोई भी लोगो अपलोड, लेकिन इसी में लोगो नहीं लगता, बस मैं दिखाने के लिए ऐसे अटैच, ऐसे फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो फॉर्म मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट ये दोनों चाहिए। तो ऐसे ही आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो उस टेस्ट को लेने के लिए, या फिर रिक्वायरमेंट में और रिक्वायरमेंट में आपको लेना पड़ेगा। लाइक अगर आप कोई टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको तो चाहिए उस कंपनी का प्रोडक्ट का नेम। तो ऐसा प्रोडक्ट एक करेंगे, प्रोडक्ट नेम, अदर उसका मॉडल डिटेल्स क्या प्रोडक्ट है, उसके बाद प्रोडक्ट आप कहाँ से मिलेगा आपको, ऐसा अगर कुछ आपको डिटेल्स लेना है, तो ऐसे आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको गूगल फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आप समझ जाएंगे एक बार में, या फिर थोड़ी थोड़ी करके आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, इजी है बहुत ही। जस्ट आपको जो डिटेल्स मतलब क्लाइंट से चाहिए, वैसे ही उससे ही आप मतलब एक फॉर्म या फील्ड बनाने की कोशिश करना पड़ेगा या फिर से, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। एंड यह है गिग गैलरी, ऐसा आपका दिखने को होगा आपका ऑफर। तो इस वाले के लिए आपको यहाँ पर इमेज चाहिए, तो मेरे पास SEO का कोई इमेज नहीं है, चलिए गूगल से ही पूछ लेते हैं। तो मैं इस वाले से काम चलाने वाला हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू एंड आखिरी काम पब्लिश्ड। तो अब आपका काम पब्लिश्ड हो गया है, ठीक है, डन। तो देखिए मेरा 7 अभी तो हो गया है, अब यहाँ पर मैं देख पाऊँगा कितना इंप्रेशन हुआ, कितना क्लिक हुआ एंड ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद आप यहाँ पर से देख पाएंगे सेलिंग, मैनेज सेल पे जाके आप अपना ऑर्डर देख पाएंगे, लेकिन मुझे अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला, 2 कंप्लीट हो गए हैं मेरे। तो कैसे होगा, मैंने शायद यहाँ पर एक फोल्डर में क्रिएट किया के रखा था। हाँ, तो ऐसा आपको ऑर्डर आईडी मिलेगा, ठीक है, एंड डिलीवर ऑर्डर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे जाने से आपको मतलब यहाँ पर क्लिक करने से ऑर्डर रिक्वायरमेंट में जो जो डिटेल्स आपके क्लाइंट्स ने दिए हैं, आपने जो फॉर्म बनाया था, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखने को मिले जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीवर नाउ एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आपको फाइल हो, वीडियो का अगर काम लिया तो फाइल, या फिर अगर आपने SEO का काम लिया तो लाइक मैनेजर से लिया, या फिर एंड्रॉयड ऐप का काम लिया उसका डिटेल्स एंड कोई भी फाइल हो तो अपलोड करके डिलीवर वर्क करना होगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन आप $20 से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं बैंक पे, लेकिन पेपाल से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इजी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक आप काम कर सकते हैं, इस वीडियो के लिंक पे मेरा एक कोर्स है, एक ईबे का एंड एक फाइवर का, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वैल्यू बहुत ही कम है। तो देखने के लिए शुक्रिया, ZTE की हिंदी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।